नमस्कार, मैं ऐश्वर्या, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। पूर्व भारतीय कप्तान और मौजूदा टीम के अनुभवी खिलाड़ी MS धोनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने आम्रपाली ग्रुप से अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के एवज में 40 करोड़ रुपए की बकाया राशि भुगतान करने की बात कही है। इसे आम्रपाली ग्रुप की एक और बड़ी मुश्किल के तौर पर देखा जा रहा है। हजारों ठगे हुए खरीदारों के बाद अब माही ने भी अपने बकाया भुगतान की मांग के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की मांग की है। 2009 में धोनी ने आम्रपाली ग्रुप से कई समझौते किए और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। वह इस समूह के साथ 6 साल तक जुड़े रहे, लेकिन साल 2016 में जब कंपनी पर खरीदारों को ठगने का आरोप लगा, तब उन्होंने आम्रपाली ग्रुप से खुद को अलग कर लिया। धोनी की पत्नी भी समूह के चैरिटी कार्यक्रम से जुड़ी थी। आम्रपाली समूह पर शिकंजा कसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को इसके CMD अनिल शर्मा और दो डायरेक्टर शिवप्रिया और अजय कुमार को पुलिस हिरासत में भेज दिया था।